कोई दिखावा करके मैं अभी तक नहीं दिया। अब ये सोशल मीडिया के जरिए से आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को बताने की कि हम लोग वही लोग हैं जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाने वाले हैं। मुसलमान इसको बोलते हैं, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाना है हम, लेकिन आज हमारे पड़ोसी भूखा सो रहा है, हमको उसकी खबर नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस लाएं, इसकी वजह से हम क्या करें, इसको एक सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम पे और आपके फेसबुक पे यूट्यूब पे मैं चैनल बना के, हमारा जो टीम है वो टीम चैनल बनाई, बना के फिर उसके बाद बोले कि हमारे एडमिन का भी जो ना खास मशवरों के जरिए से फिर तमाम चीजें होने के बाद हम बोले कि एक चैनल बनाया जाए, उसके माध्यम से लोगों तक हमारी खिदमत पहुंचाई जाए। और हमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज अल्लाह की मदद फाउंडेशन के ऑफिस में हमारे मीडिया के तमाम भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि यकीनन फाउंडेशन का जब आप नाम सुनते हैं तो एक ही बात जहन में आती है कि खिदमत, बंदों की खिदमत करना अल्लाह की मदद के जरिए से। तो हम लोग भी अल्लाह के नाम से अल्लाह की मदद फाउंडेशन का एक जबरदस्त नाम देकर मिल्लत इस्लामिया में जो हमारे मुसलमान गरीब यतीम बेवा लाचार ऐसे लोग जो यकीनन गुर्बत का शिकार है, उन लोगों की जो जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी भी कई हमारे भाइयों की चलना बहुत मुश्किल है। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किलात का सामना करके जिंदगी गुजारती है, कई हमारे बेवा और यतीम बहनें ऐसी हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और कई ऐसे हमारे लोग हैं जो शर्म के मारे लोगों को जिक्र नहीं करते कि भाई हम कैसा लोगों से मांगेंगे, कैसे लोगों को पूछेंगे। हमारा जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के जरिए से हम लोग पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मैं आपको बोला तो ये बात बड़ी ताज्जुब नजर आएंगी, हमारा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क कर रहा है एक साल से, लेकिन इससे पहले भी हम लोग लॉकडाउन से, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से बिल्कुल पहले से पहले ही हम लोग जो ना ये लोगों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, यसीरों को खाना खिलाने का हो या कोई और मसला हो, शादी ब्याह का मसला है, गरीब यतीम है उनकी शादियों में भी हम लोग बराबर जो है ना अपनी जात से जो हो सकता था दोस्तों अहबाब में हम लोग फंड जमा करके हम लोग बराबर कर देते। लेकिन आप लोगों को यह भी बताता हूं और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है मेरे ऊपर और हमारी पूरी टीम पर, जो अल्लाह की मदद फाउंडेशन की पूरी टीम पर अल्लाह का लाख लाख एहसान है। एक रुपया चंदा किसी से नहीं मांगे हम लोग, और ना हमारा कोई स्कैनर है, ना हमारा जो है ना कोई अकाउंट है, अभी तक हम लोग शेयर नहीं करे। अकाउंट भी बना हुआ है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम शेयर नहीं करें। क्यों? अल्लाह तबारक व ताला आपके इस भाई को और जितना भी दिया है, जो कुछ भी अल्लाह तबारक व ताला हमसे, अल्लाह हमको जिस काबिल बनाया उसके जरिए से हम लोग बराबर लोगों की मदद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरूरत पड़ने पर बराबर हम लोग, क्योंकि कई मेरे भाई ऐसे हैं मेरे को फोन करके बोलते हैं मेरे फाउंडेशन के नंबर पे कि भाई हम कुछ आपके साथ शामिल होना चाहते, हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते, हम भी आपके साथ जो है ना, आप मदद करिए, हमारे तरफ से लेके आप मदद करिए। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सबसे कहता आ रहा हूं कि भाई इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आवाज बराबर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक बात यह बताना चाहूंगा कि आज मिल्लत इस्लामिया के हालात को जब देखता हूं मैं, फिर फिर के जब देख रहा हूं, हर स्टेट में जा रहा हूं मैं हिंदुस्तान के, परसों हाल ही में हम मुंबई की सरजमीन पर गए थे, मुंबई के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों की ऐसी खस्ता हालत है, एक एक घर में 20-20 अफराद रह रहे हैं और अक्सर लोगों के हालात ऐसे हैं, अल्लाह अकबर देख के बहुत मैं मगमूम हो गया कि भाई ये लोग कैसा जिंदगी गुजार रहे होंगे, खाने खाने को, दाने दाने को वो लोग जो ना तरस रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो ना ये भी जो घरों में रह रहे हैं हमारे को जो ना इसका भी किराया और भाड़ा बनना पड़ता। एक फिर हुबली की सरजमीन पे गए हम लोग, कर्नाटका में, कर्नाटक के कई इलाकों में गए, वहां पे भी ऐसी हालत है। तो कर्नाटका छोड़िए, इधर छोड़िए, फिर इसके अलावा अपने शहर हैदराबाद, अतराफ, अकनाफ, गांव, अजला है, सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि हैदराबाद के अतराफ अजला है, जैसे डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर है, फिर उसके बाद निजामाबाद है, उसके बाद आदिलाबाद है,
उसके बाद निर्मल है, फिर उसके बाद कई जो ऐसे हमारे जो स्टेट के अंदर ऐसे जो जिले हैं जिनमें यकीनन गुर्बत के शिकार मुसलमान, जिनके बच्चे भी गुर्बत के शिकार की वजह से माँ बाप से कोई फरमाइश नहीं कर सक रहे। आज मालदारों को भी जरूरत है इस बात की कि मालदार तवज्जो करें ऐसी चीजों पे। आप हमको मत दीजिए, किसी और फाउंडेशन वालों को नहीं देना है, मत दीजिए आप, लेकिन अपनी जात से ज्यादा मदद करिए। निकलिए आप मिल्लत इस्लामिया का दर्द रखने वाले। आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मुझे इस बात पे याद आती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम सदका दिया करो, अगर आदमी सुबह उठ के सदका देता है अल्लाह तबारक व तआला शाम तक उसकी जान की हिफाजत कर देता। अरे सदका देना हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, खैर खैरात देना, इससे हमारी उम्र में बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीसें हैं कि एक दूसरे की मदद करना, हम एक दूसरे की खिदमत करना। आज पड़ोसी पड़ोसी को पूछने के इसमें नहीं है, मौकूफ में नहीं है, और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। हम तो सुने थे कि हशर के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वो आलम तो अब फिल वक्त हमारे दरमियान में आपस में मुसलमानों का नजर आ रहा है, कोई किसी को नहीं पहचान रहा। अरे ऐसे हालात से अगर हम गुजर रहे हैं तो हम बहुत जुल्म और बर्बरियत का शिकार बन जाएंगे। आज मुसलमानों की पस्ती का शिकार हम लोग ही बने हुए हैं। आज हम लोग अगर आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की खिदमत नहीं करेंगे, एक साहब मेरे को परसों एक मोहतरमा मेरे को फोन करे करके रोने लगे, रोके बोलने लगे बेटा आपके अल्लाह के मदद फाउंडेशन को जो ना मैं देखी रील पे, मैं जो ना बहुत बेचार हूं बेबस हूं, मेरी बच्ची की शादी का मसला है और मेरी बच्ची की शादी के लिए कोई इंतजाम नहीं है बेटा। तो मैं बोला अम्मा क्या इंतजाम चाहिए, आप सांचा खूंचा ये सब मसले कर देगा। बोले बेटा सांचा कहां से कर सकती हूँ मैं, शादी का ही कोई मसला हल नहीं कर सक रही हूँ, न शादी के खाने का ही नहीं सुन सक रही। तो मैं बोला ये सांचा खूंचा ये सब मसले हटाओ, शादी का मसला क्या है वो देखो, फिर इंशाल्लाह उसमें हम जो हो सकते हैं अपनी जात से मदद करेंगे। हम लोग फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या है, आप तो मदद तो ऐसा भी कर रहे हैं ना? जी साहब मदद तो देखिए ऐसा भी कर रहे हैं, मदद बगैर अपन ये करे के भी कर सकते हैं बगैर के। खिदमत क्या क्या है फाउंडेशन के जरिए से, किस किस की मदद करें आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम फाउंडेशन के जरिए से बहुत पहले मैं बता रहा था अभी के लॉकडाउन से पहले हम लोग काम कर रहे हैं, और जाके जो ना हम लोग पहले से लेते थे वीडियोस भी, अगर फोटोज पहले तो वीडियोस का वो भी नहीं था शोर, फोटोज वगैरह लेते थे, है मेरे पास कई फोटोज जो लॉकडाउन में भी हम लोग निकल के करे हैं, लॉकडाउन से पहले भी करे। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कभी हमारे फाउंडेशन का नाम या मैं सोशल मीडिया के जरिए से माध्यम से मैं कभी जो ना आके कोई ऐसा बयानबाजी या नहीं, सबको देख के इंशाल्लाह हर मुसलमान को ये जागने की जरूरत है, ये मैसेज हमको देना है, ये हमारा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते आ रहे हैं, काम करते रहेंगे, काम ही हमारी पहचान है। अब लोग क्या बोलते हैं, कौम क्या बोलती है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम देखिए इंसान है, गलती तो हमसे भी हो सकती, बराबर आप गलती पे बोलिए बराबर हम उसकी इसलाह कर लेंगे। किसी को मदद की जरूरत है तो आपसे रابطہ कैसा कर सकते हैं? मदद की जरूरत है तो डायरेक्ट जो है ना हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है अल्लाह की मदद फाउंडेशन का, 8688565698952, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है आपको, इंशाल्लाह मैं नंबर दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे भी चलाइए नीचे हमारी AKM फाउंडेशन का, अल्लाह की मदद फाउंडेशन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है AKM फाउंडेशन। तो हम लोग क्या है इसको पूरा टोटली जो है ना फेसबुक यूट्यूब इंस्टा पे और हमारा जो ना वेबसाइट भी है, आप जाके डायरेक्ट वेबसाइट पे भी आप मार के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे जो ना खिदमत हम लोगों में लेके आ रहे हैं से निकाले, और अल्लाह हर मुसलमान को ऊंचाई पर लाके अल्लाह ताला गुर्बत का खात्मा फरमा दे। एक बात अर्ज करूंगा कि हमारा जो चैनल है फेसबुक पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर अल्लाह की मदद फाउंडेशन आप सर्च करिए और आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोग जरूरी मशवरों से नवाजिए और जो गरीब है उन तक ये बराबर पैगाम पहुंचाइए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं तमाम मीडिया वालों का भी बेहद शुक्रगुजार हूं। अस्सलामु अलैकुम।